अकेले हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में भी बादल कहर बनकर बरसे हैं। पंजाब में तो जो हालात हैं, ऐसे हालात शायद ही पहले कभी देखे गए हों। मोहाली और चंडीगढ़ में बाढ़ की तस्वीरें हैरान करती हैं और परेशान भी। हरियाणा के भी कई इलाके पानी पानी हैं। उधर उत्तराखंड में भी बारिश ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। हालात बिगड़ रहे हैं और मुसीबत के बादल लगातार बरस रहे हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सैलाब चंडीगढ़ की गलियों में आया हुआ है? गाड़ियां सड़कों पर नाव की तरह बह रही हैं, कार खुद के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, लोग तमाशबीन बने छत पर अटके हुए हैं। चंडीगढ़ ने बारिश से ऐसी तबाही शायद ही पहले कभी देखी। पंजाब और हरियाणा जैसे शहरों में मानो तबाही बरसी है। इस वक्त कीरतपुर पिंजौर के पास है, आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है बद्दी को जाने वाला, इसकी एक सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। जिस तरह से पानी का बहाव अब आपको नजर आ रहा है, आगे हमने देखा कि एक पुल भी टूटा हुआ था। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तो पोल खुलती ही है कि इतना तेज पानी, इतना बहाव आया है, कई सड़कें बह गई हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ देखिए ये सड़क आपको टूटी हुई नजर आ रही हो। कालका शिमला हाईवे का हाल भी बुरा है, सड़कों में दरार है तो कई हिस्से टूटकर बह गए हैं। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ कालका शिमला जाने वाले हाईवे पर। ये हालात आप देख रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से ये पुल जो है वो पानी की भेंट चढ़ चुका है। अब यहाँ पर जो लोहे के सामान है उनको निकालने का देखिए क्रेन की मदद से काम चल रहा है। और साथ ही साथ आपको हम ये अगर हिस्सा दिखाएं, देखिए पानी की भेंट चढ़ चुका है। क्यों चढ़ चुका है वो भी हम आपको जरा बताएंगे। इस बीच पहले आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं, वहां पर देखिए कौशल्या डैम है, बताया गया वहां से बहुत पानी छोड़ा गया जिसकी वजह से यहाँ लेवल जो है पानी का बहुत ज्यादा बढ़ गया और नदी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाने के लिए तैयार नजर आई। यहाँ ये पुल का एक हिस्सा आप देख ही रहे हैं जो पानी की भेंट चढ़ चुका है। ये दीवार आप देख रहे हैं, इस दीवार को भी अपने साथ ले जाती हुई ये नदी नजर आई। वही सड़क आपको जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर भी हाल दिखाएं तो यहाँ पर भी बहुत खतरा है, इसीलिए इस पूरे रोड को जो है वो बंद कर दिया गया है। सर आपको दूसरी तरफ तस्वीर दिखाएं, यहाँ पर देखिए आप सड़क जो है आपको धसी हुई नजर आएगी। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर ले आया गया है ताकि इन गड्ढों को भरने का काम भी हो और रास्ता भी पूरी तरीके से देखिए बैरिकेड लगाकर यहाँ पर रोक दिया गया है। यानी अब शिमला जाना अगर आप उस तरफ सोच रहे हैं जाने का तो और मुसीबतों भरा है। साथ ही साथ लोगों का ये कहना है कि ये पूरा जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है ये भी धीरे धीरे उधर की तरफ झुकता नजर आ रहा है। आइए जरा जोशी इधर दिखाइए, वो अगर आप दीवार उधर दूर देख रहे होंगे तो वो भी देखिए किस तरह कभी भी वो दीवार पानी के साथ बह सकती है, गिर सकती है, पूरी तरह वो दीवार जो है वो झुक चुकी है। और इसी तरह इन वॉल के लिए भी यही बोला जा रहा है। ऊपर भी अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी सड़क, आइए थोड़ा सा आपको और आगे लिए चलते हैं आलम, आप देख पाएंगे ये क्रैक्स जो है वो सड़कों पर क्रैक्स आने शुरू हो चुके हैं और ये सड़क जो है वो धसती चली जा रही है। आगे अगर आपको दूर कैमरा अगर दिखा पाए तो बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां पर आप देख रहे होंगे कि वहां पर भी जाने के लिए बैरिकेड लगा दिया गया। आप यमुनानगर में हाईवे का हाल भी देख लीजिए। यमुनानगर से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये मुलाना कस्बा है और ये हरिद्वार, चंडीगढ़, अम्बाला को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। और यहाँ पर हालात क्या है, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 500 मीटर तक पूरा हाईवे गायब हो चुका है और हाईवे पर अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो सिर्फ पानी का जल बहाव दिख रहा है। और ट्रैफिक की बात करें तो पिछले कई घंटों से यहाँ पर ट्रैफिक एकदम से बाधित है, बड़े बड़े ट्रक इस बहाव में बह गए हैं और हाईवे पूरा यहाँ से कट चुका है। आप देख सकते हैं कि जो हाईवे के बड़े बड़े पत्थर हैं पानी के बहाव से यहाँ से बह चुके हैं और लोग कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर इस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अम्बाला में भी मौसम तबाही लेकर आया, भारी बारिश की वजह से कई लोग फंस गए। बारिश का असर सबसे ज्यादा केदारनाथ यात्रा पर पड़ रहा है, यात्रा को फिलहाल बंद कर दिया गया है और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। लगातार बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा के सबसे मुख्य पड़ाव गौरी कुंड में जल भराव हो गया है। यहाँ कई दुकानों में पानी और मलबा भरा है जबकि पैदल मार्ग पर यात्री पानी के बीच आवाजाही करते रहे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का हाल भी बेहाल है, इंसान तो इंसान जानवरों का भी बुरा हाल है। ये कोई झील नहीं बल्कि एक डेयरी है और यहाँ पर गौशाला है,
मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये गौशाला में किस तरह से जो गौशाला के कर्मी हैं या गौशाला के मालिक हैं उनके कमर तक पानी है, और जिस यहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये और भी ज्यादा गहरा है, लेकिन ये पानी कमर तक पहुंच रहा है। जिस तरह से देहरादून में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है वो सरकारी दावों की पोल खोल रहा है। कोटद्वार में भी नदियां नाले उफान पर हैं, सड़कों के ऊपर से सैलाब बह रहा है, आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते काली नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। तेज बहाव से गांव की जमीन भरभरा कर नदी में समा गई। भूस्खलन के ये लाइव वीडियो नदी के दूसरी तरफ नेपाल से लिए गए हैं। लगातार हो रहे भूकटाव के चलते गांव के अनेकों घरों को खतरा पैदा हो गया है। घबराए गांव वालों ने जरूरी सामान के साथ गांव छोड़ना शुरू कर दिया है। ये ऋषिकेश के एम्स का इमरजेंसी वार्ड है। बारिश ने यहाँ घुसपैठ कर ली है। मरीज से लेकर तीमारदार तक सब परेशान हैं। आज तक ब्यूरो।